देखिए, आज अम्बाला में दो केस आए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि अम्बाला में जो लगातार एक्टिव केस भी हैं वो भी उनकी भी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नए केस सामने आ रहे हैं। जो आज दो पॉजिटिव आए हैं उनमें एक हमारे सरकारी डॉक्टर हैं और एक बाहर के वो हैं, और दोनों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। पूरे हरियाणा में भी देखा जाए तो कल पूरे हरियाणा में लगभग 600 केस पॉजिटिव थे, और पूरी इंडिया की जहाँ तक बात की जाए तो 3,000 से ऊपर पॉजिटिव केस पहुँच गए हैं, जो कि एक चिंता का विषय है कि कहीं कोई बड़ी लहर तो दस्तक नहीं दे सकती, दे रही है। तो इसकी रोकथाम के लिए हमने कभी पहले से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वेव को हमने भुगता है, अच्छी तरह से टैकल किया है, और ये है कि उसके दौरान हमारे एक्सपीरियंस जो रहे हैं वो सारे के सारे काम आएंगे। लेकिन मेरी आम जनता से अपील है, अगर किसी को खांसी जुकाम बुखार हो तो तुरंत अपना टेस्ट करवाएं। टेस्ट टोटली फ्री है सरकारी अस्पताल में। और मान लो किसी को ये भी लगता है कि उसको किसी दूसरी तरह का कोई सीजनल फ्लू है तो उसके टेस्ट भी सरकारी अस्पताल में, जो डिस्ट्रिक्ट मोलिकुलर लैब पंचकुला की सेक्टर 10 में, नहीं, अम्बाला की सेक्टर 10 में, वो सारे के सारे उसमें फ्री है। सर, इस टाइम एक्टिव केसेस कितने हैं अम्बाला में? इस टाइम पे जो अम्बाला में एक्टिव केस हैं लगभग 20 से ऊपर एक्टिव केस अम्बाला में।